बॉलीवुड के ये चार डायरेक्टर जो एक फिल्म बनाने के दरमियान हो गए थे बर्बाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी दुनिया भर में फेमस होती जा रही है, क्योंकि अब बॉलीवुड की फिल्में भी हॉलीवुड के लेवल की बनती है और एक फिल्म को बनाने के लिए प्रोड्यूसर काफी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम इस न्यूज में जानने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे 5 प्रोड्यूसर जो कि एक फिल्म बनाने के दरमियान हो गए थे बर्बाद। सबसे पहले मुगले आजम। मुगले आजम सिनेमा घरों में 1960 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म को डायरेक्ट किया था के आसिफ ने और ये फिल्म को प्रोड्यूस किया था सपूरजी पलुंजी ए। बता दूं कि ये फिल्म में उस समय काफी पैसा लगाया गया था। जय, ये फिल्म का उस समय का बजट 15 मिलियन था और इतने बजट में तो तब कई सारी फिल्में बन पाती थी और ये फिल्मों में प्रोड्यूसर ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया था और कहा जाता है कि ये फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये फिल्म बनाने के दरमियान बर्बाद हो गए थे। लेकिन मुगले आजम सिनेमा घरों में बहुत चली थी और फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की आर्थिक परिस्थिति सुधर गई थी। दूसरे नंबर पर है श्याम फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी और प्रोड्यूसर जेपी सिप्पी। शोले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने के बाद शोले फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक और फिल्म बनाई थी जिनका नाम था शान और ये फिल्म में उन्होंने उस समय 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि ये फिल्म फिर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और ये फिल्म बनाने के दरमियान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों बर्बाद हो गए थे। तीसरे नंबर पर है क्रांति फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार। 6 फरवरी 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और क्रांति फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार थे। बता दें कि ये फिल्म बनाने में उस समय 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे और ये फिल्म बनाते बनाते मनोज कुमार बर्बाद हो गए थे। यहाँ तक कि मनोज कुमार के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे जो वो फिल्म के स्टार कास्ट को दे सके, तब उनका सपोर्ट दिलीप कुमार ने किया था। जय, ये फिल्म फिर दिलीप कुमार ने मुफ्त में की थी और साथ में प्रोडक्शन में भी सपोर्ट किया था। इसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही चली और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। और चौथी है नो एंट्री फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर। 26 अगस्त 2005 को बोनी कपूर की नो एंट्री फिल्म रिलीज हुई थी और ये फिल्म में लीड रोल में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान जैसे कलाकार थे। बता दूं कि 2005 में ये फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर की आर्थिक परिस्थिति काफी खराब हो गई थी और उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे जिससे वो ये फिल्म की स्टार कास्ट को फी दे सके। और 2005 में ये फिल्म में 24 करोड़ का खर्च किया गया था, जो कि उस समय ये एक बिग बजट फिल्म थी और तब बोनी कपूर को सलमान खान ने सपोर्ट किया था। जय, सलमान खान ने ये फिल्म के लिए फीस नहीं मांगी और फिर जब ये फिल्म सुपरहिट हुई तब प्रोड्यूसर ने सलमान खान को फीस दे दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एक फिल्म के पीछे बर्बाद हो गए थे। आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।